गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। आप है रमदान ट्यूटोरियल में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थ्री का सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सेट थ्री के सॉल्यूशन के बाद प्रैक्टिस सेट फोर के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये रहा हमारा फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस मांगा है और क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक से प्रिपेयर कर पाएंगे और इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करना जो कि एटमॉस्फेयर में फॉर्म करना है। तो देखिए आप इस आर्टिकल के तहत क्वेश्चन नंबर टू को देखिए। वहाँ पॉइंट नंबर टू में बोला है इस प्रकार जब नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा नाइट्रोजन और ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो वो ऑक्सीकृत करके NO2 बनाता है। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि आप केवल सेकेंड रिएक्शन को नहीं लिख सकते, आपको फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कवर किया दो क्वेश्चन। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर के यूटेंसिल्स पे बर्तनों पे जो अगर खुली हवा में छोड़ दिया है तो ग्रीन कलर का उसमें हरापन क्यों आता है। देखिए आप थर्ड पैराग्राफ में देख सकते हैं, वहाँ लिखा गया है कि वस्तुतः भास्मिक कॉपर कार्बोनेट यानी कॉपर CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बनने के कारण उसमें हरापन आता है। तो दरअसल होता क्या, एटमोसफेयर में रखा रहने पर उसके ऊपर में ये जो हरा रंग आता है वो ये जो एक कंपाउंड दिया गया है ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से वो आता है। तो यही आपको आंसर में लिखना है कि जब उसको खुली वायु में छोड़ देते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म करता है जिस वजह से हमारा हरापन आता है। आई होप ये आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्टिनाइड्स के बारे में। आप एक्टिनाइड्स देख सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा है हमारे एलिमेंट AC से और ख़त्म हो रहा है LR पे। इन एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया कितने एलिमेंट है। आपने क्वेश्चन सुना होगा तो वहीं पर बोल दिया गया था कि 14 एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कौन है। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया जिसका सिंबल AC है और लास्ट एलिमेंट हो गया जिसका सिंबल है LR। इन एलिमेंट्स को याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस रेयर पूछे जाते हैं लेकिन मैं किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कंपेयर कीजिए ह्यूमन आई को विथ कैमरा। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन से पहले ही बताया था कि हमें हमेशा 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक 5 पॉइंट का आर्टिकल लिया जिसे हम लोग आंसर में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सेल का जो ह्यूमन आई जो है वो एक लाइव ऑर्गन है जिसमें जान है, प्राण है, जबकि वो जस्ट अगर कैमरा की बात करें तो वो बस एक इक्विपमेंट है जो कैप्चर कर सकता है इमेज। सेकेंड, इसमें लाइव सेल्स होते हैं ह्यूमन आई में जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें डायफ्राम में होता है लाइट डिटेक्ट करने के लिए। थर्ड, जो ह्यूमन आई है वो 3 डायमेंशन में देख सकता है जबकि जो कैमरा है वो केवल 2 डायमेंशन में देख सकता है। रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की बात करें तो जो प्यूपिल है वो खुद को एडजस्ट करता है ताकि फोकसिंग हो पाए प्रॉपर तरीके से, जबकि कैमरा के केस में देखा जाए तो वहाँ पर प्यूपिल्स नहीं होते, वहाँ पर लेंस आगे पीछे होता है ताकि वो फोकसिंग प्रॉपर कर पाए। एंड लास्ट एग्जांपल में हमें देखा गया क्या कि ह्यूमन आई में ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर हम लोगों को कुछ भी विजिबल नहीं होता जबकि कैमरे के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग प्लस और नेगेटिव को, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करके हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन आई इज़ ऑलवेज बेस्ट बट कैमरा हमारे लिए एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप मेमोरी लगा के आप इमेजेस को देख सकते हैं, ब्रेन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई कंपैरिजन उस हिसाब से नहीं कर सकते, सिंपली ह्यूमन का कंपैरिजन किसी एक इंस्ट्रूमेंट से करना इट्स वर्थलेसली, तो हम लोग इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर जैसा पूछा गया था मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को आप डिस्कस कीजिए। तो ह्यूमन आई में मेनली 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, मैंने 3 को चूज़ किया लेकिन हम लोग 2 के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। जो ऊपर में सबसे पहला आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ फार साइटनेस जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे साथ क्या हो रहा था। देखिए जो प्यूपिल है हमारा जो फोकसिंग किया गया है वो फोकस का पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन जो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आई बॉल के पीछे, आई बॉल के एकदम सरफेस पे जो पीछे इनर सरफेस है जहाँ डबल लाइनिंग दिख रही है ब्लैक कलर की उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो ये रेटिना के पीछे हो रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं हो पाता, क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल उसी तरह से नियर साइटनेस में क्या हो रहा है, जो प्यूपिल है वो एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि वो फोकसिंग का काम करता है, इस वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है रेटिना से पहले ही हो जा रहा है। रेटिना के बाद और रेटिना के पहले दोनों ही कंडीशन में ह्यूमन आई को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लास्ट वाला डिजीज के बारे में हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हायर स्टडीज में जब 11th 12th में पढ़ाया जाता है तो तब डिस्कस किया जाता है। तो नियर साइटनेस और फार साइटनेस के प्रॉब्लम को आप समझ पाए होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगाड्रोज़ लॉ, एवोगाड्रो के लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करना, प्रेशर, और वहाँ पर प्रेशर के साथ साथ आप उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम। कुछ जो लॉ दी गई है वो लॉ कुछ इस तरह से कहता है कि अगर आप दो कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो जब भी आपको वॉल्यूम इक्वल मिलेगा उनके नंबर ऑफ मोल काउंट करने पर नंबर ऑफ मोल सेम मिलते हैं। स्टेटमेंट को याद रखिए, अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेंगे किसी भी दो गैस का तो उसके नंबर ऑफ मोल सेम मिलेंगे, ये है एवोगाड्रोज़ लॉ। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म मैंने लिया है, देखिए उसमें बोला गया V1 / N1 इज़ इक्वल टू V2 / N2। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। V1 V2 क्या है? वॉल्यूम। इसे इस तरह से दिखाने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये था कि बच्चे कहीं इस बार में कन्फ्यूज़ ना रहे कि वॉल्यूम का कोई डिस्कशन नहीं है। वॉल्यूम का डिस्कशन है, कभी कभी MCQs में डायरेक्ट इस तरह से पूछता है कि क्या हम एवोगाड्रोज़ लॉ को ये लिख सकते हैं V1 / N1 इज़ इक्वल टू V2 / N2। जनरली बच्चे जानते हैं एवोगाड्रोज़ लॉ इज़ इक्वल टू मीन्स N1 इज़ इक्वल टू N2, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो V1 / N1 इज़ इक्वल टू V2 / N2, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने पर इक्वल वॉल्यूम लेने पर उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के बारे में भी बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन चार पॉइंट्स मेंशन करने ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, मेंशन कर दिया गया है, चारों काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं, काइंडली इन चारों पॉइंट्स को लिखिए। इसमें सिर्फ लास्ट वाले के बारे में मैं बताऊं, आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू NRT, जबकि रियल गैस का इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए पी को चेंजेस कर दिए गए हैं, P + A n² / V² और V की जगह में चेंज होकर हो गया V - NB इज इक्वल्स टू NRT ही रहता है। तो इसको याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि रियल गैस के इक्वेशन को वैन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं, शॉर्ट में उतना भी आप लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वो मेटल है जो रिएक्ट करके किसी हॉट या कोल्ड वाटर के साथ हमें हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ याद रखिए कि ग्रुप वन का कोई भी आप चूज़ कीजिए, ग्रुप वन से, रिमेंबर ग्रुप वन से आप जब चूज़ करेंगे तो वहाँ पर जितने भी मेटल्स मिलेंगे वो सारे मेटल्स जब आप वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, हॉट या कोल्ड वाटर से, तो वो आपको हाइड्रोजन रिमूव करेंगे फाइनली। तो इस बात को याद रखिएगा, आंसर दिया गया, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपकी ज़रूरत के आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट कि थर्माइट रिएक्शन क्या है। तो थर्माइट रिएक्शन के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रबल अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक Fe2O3 को लोहा में अवकृत कर देता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप हेमेटाइट लेंगे, रेड हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो वो उसको अवकृत करके यानी रिड्यूस करके फाइनली हमें आयरन देता है। तो इसी रिएक्शन को यहाँ दिखाया गया है, साथ ही साथ उसका उपयोग भी मैंने दे दिया है कि उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी नोट डाउन कर लें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडामाइट क्या होता है। तो देखिए मैंने विकिपीडिया से आंसर कॉपी किया है, बट आप लोगों को प्रेफर करूंगा क्योंकि आंसर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडामाइट क्या है, आंसर है सोडामाइट एक्चुअली सोडियम एमाइड है, जिसका फॉर्मूला दे दिया गया है नीचे में, देखिए NaNOH2, ठीक है, रिमेंबर NaNH2, और मतलब ये जब अमोनिया रिएक्ट करता है सोडियम से तो वहाँ मिलेगा। मुझे किताब मेरे हाथ के पास नहीं मिली उस वक्त पे, इसलिए मैंने आंसर को बस कॉपी करके दे दिया विकिपीडिया से, आप इस आंसर को लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में हमारे सामने जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि कैल्शियम साइनामाइड या फिर एक्चुअली नाइट्रोलीम के नाम पे पूछा गया है। तो लिखा गया है कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1000 से लेकर 111 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना पड़ता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है CaCN2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, या फिर इसका दूसरा नाम है नाइट्रोलीम। जनरली इसे नाइट्रोलीम के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हैबर्स प्रोसेस के बारे में। देखिए आप देख सकते हैं हैबर प्रोसेस में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिक्स होकर अमोनिया फॉर्म करता है, इसे हम लोग अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके कैटलिस्ट को जानना और इसके कंडीशंस को जानना। तो कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन तो है कि आयरन और मॉलिब्डियम का आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा, दूसरा है 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और फाइनली 200 एटमॉस्फेयर से लेकर 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये हैबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के नाम पे भी पूछा जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फैराडेज लॉ हमसे पूछा गया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये लॉ जो है आपके सामने आपको साफ दिख रहा है, मैं इस लॉ को नहीं समझाऊंगा, इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा फैराडेज लॉ को। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप बाकी जितने लॉज हैं उनके लिए भी आप कोई वीडियो चाहते हैं सेपरेट, तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में देखने के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपको इन सारे का अलग अलग चाहिए या नहीं। तो इस जैसे कि स्विमिंग लॉ, एम्पेयर स्विमिंग लॉ, लिंजेस लॉ, इन सब पे अलग अलग वीडियोस में बना दूंगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया, थ्री सेट थ्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सेट फोर के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेट फोर का क्वेश्चन। पर उससे पहले जैसा कि एक बात मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, मेरी बस इतनी सी मदद करना कि सबकी मदद करना, इस बात का जरूर ख्याल रखें, शेयर करें सबके साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में, सेट फोर के क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल साइंस प्रैक्टिस सेट फोर के क्वेश्चंस। अब थ्री के सॉल्यूशंस देख चुके हैं और अब हम प्रैक्टिस सेट फोर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है जिस वजह से मेरे गले की आवाज़ भी ख़राब आ रही है। आई होप कि आप लोगों को कोई इससे दिक्कत ना हो। क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, स्टेट द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस इथेन फ्रॉम इथिलीन। आपको इथेन का प्रोडक्शन करना है और इथिलीन का यूज़ करना है। इथिलीन यूज़ करके इथेन प्रोड्यूस कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू, इज़ इट पॉसिबल टू यूज़ कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2S। अगेन इग्नोर द प्रिपरेशन का स्पेलिंग गलत है। H2S को आपको प्रिपेयर करना है और आप HNO3 यूज़ करना चाहते हैं कंसंट्रेटेड। इज़ इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा आपको बताना है। सिर्फ यस और नो इसका आंसर नहीं चलेगा। यस और नो दोनों ही कंडीशंस में आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने जरूरी होते हैं। रिमेंबर दिस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। गिव मी अ सेकेंड। ओके दिस द क्वेश्चन स्टेट्स स्पाइजल एंड एलनिको। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पाइजल क्या है और दूसरा एलनिको क्या है। मैंने पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आई होप आप इसे माइंड नहीं करेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, प्री यूरेनियम एलिमेंट। नाउ ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। यूरेनियम आप लोगों ने सुना है, प्री यूरेनियम एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, प्री यूरेनियम एलिमेंट क्या होता है और इसके बारे में और जो बातें आप जानते हैं खोज के निकालिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई वी फाइंड हीलियम इन माइंस ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स। अगर आप रेडियो एक्टिव ओर्स के माइंस में जाएंगे तो वहाँ आपको हीलियम गैस नेसेसरली मिलेगा। ऐसा क्या होता है कि वहाँ ये मिलते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बार्लोज विल। आपने बार्लो के चक्के का नाम सुना होगा, बार्लो विल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपको इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, हाउ कैन वी गेट कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो यूजिंग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आप लोगों ने सुना होगा, तो चार्ल्स लॉ में से आपको एब्सोल्यूट जीरो के डेफिनेशन को एस्टैब्लिश करना है। रिमेंबर एब्सोल्यूट जीरो का सिर्फ डेफिनेशन देना नहीं चलेगा, चार्ल्स लॉ को लिख के उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिराइव करते हुए आपको एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना है। ये पूरा एस्टैब्लिशमेंट आपको करना है। टू मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन, ईस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो आपको ईस्टर प्रोड्यूस करना है एसिटिक एसिड यूज़ करके, केमिकल रिएक्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टेन, वॉट हैपन इफ एसी करंट इज़ यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसीजर में अगर आप एसी करंट का इस्तेमाल करेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट, आप डीसी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं बैटरी सोर्सेज से, लेकिन आप घर के करंट को मान लेते हैं रिड्यूस करके वोल्टेज, अगर आप एसी करंट यूज़ करते हैं तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, गिव द केमिकल रिएक्शन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड अप विथ नाइट्रोजन इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री यहाँ मिसिंग है, रिमेंबर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये आपको लिखना है। इसका फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कैल्शियम साइनाइड बनता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अमोनिया गैस सेंसर। आपने अमोनिया गैस सेंसर का नाम अगर सुना है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉज ऑफ लॉस्ट वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सेल।
इलेक्ट्रिक सेल के केस में आपने लॉस्ट वोल्ट का नाम सुना है अगर, तो उसका रीज़न क्या है बताना है। इसके आंसर्स के दौरान ही मैं आपको इस लॉस्ट वोल्ट के डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा और उसके कॉजेज भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस क्या होता है आपको ये बताना है। एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर सेट 5, सेट 4 जिसमें गलती से सेट 3 लिखा गया, ये सेट 4 का क्वेश्चन है। ओपन एंड मैनोमीटर एंड क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। मैनोमीटर्स का आपको पता है क्या होता है, उसमें से ओपन एंड और क्लोज्ड एंड मैनोमीटर्स क्या होते हैं आपको ये डिफाइन करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 सेट 4 का, यानी कि आप लोगों ने सेट 4 के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट 4 के जितने क्वेश्चंस हैं आपको इन सबका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट 5 के नए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। इस दौरान मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को या जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके उनको पता चले कि उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए और भी कोई है। तो इस दौरान आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कुछ इस तरह से, किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए पर बाकियों को लिंक भेजने के लिए शेयर के बटन पे आपको दिख रहा है, शेयर पे क्लिक कीजिए, फिर कॉपी लिंक आएगा, कॉपी लिंक कीजिए। उसके बाद देखिए कॉपी दिखा दिया है, अब आप उसे कहीं पर भी जाके शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे मैसेज में शेयर करना चाहता हूँ, मैंने मैसेज खोला, राइट किया, नए मैसेज में गया और मैं वहाँ पर स्पेस डाल के मतलब अब मैं लिंक को पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, अब इसे मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये कॉपी है मेरे पास, कहीं भी मैं सेंड कर सकता हूँ।